हेलो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो एक टॉपिक चला था वो चला था क्लास 10 से। और 10th में भी एक था आपका टॉपिक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की हमने तीन दो पार्ट आपको बनाकर भेज दिए हैं, और तीसरा पार्ट जो हमने बताया था वो जो होगा वो श्री धराचार्य सूत्र के अनुसार जो द्विघात समीकरण होंगी उनका हम मान निकालेंगे। तो किस प्रकार करते हैं इन सबको, तो देखिए पहला आपको जो आता है द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, श्री धराचार्य सूत्र, वो देखते हैं। वो है माइनस, अच्छा उसके लिए हम बताते हैं पहले द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यदि हमारी समीकरण ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होगी, तब श्री धराचार्य का फॉर्मूला जो होगा वो होगा एक्स बराबर माइनस के वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो गाइस ये होता है आपका श्री धराचार्य का सूत्र। इसको क्या करते हैं हम, अच्छा यहां पर देखिए, एक बार आप इसको क्या करोगे, माइनस में लिख सकते हो इस प्रकार से माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक एक बार आप इसको लिख सकते हो प्लस में, तो माइनस के v, यहां पर प्लस माइनस दे रखा ना, तो एक बार हमने माइनस में लिख लिया और एक बार हम गाय में लिखते हैं इसको प्लस में, तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो गाइस ये है जो श्री धराचार्य का फॉर्मूले का जो यूज होगा इस पर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए, अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन दिया है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 21 बराबर जीरो। और क्या कहा है, यानी श्री धराचार्य फॉर्मूले का यूज कीजिए और समीकरण 3x² माइनस के 2x माइनस के 21 को हल कीजिए। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, अब इसकी आप तुलना करते हैं। तो यहां पर देखिए एक स्थान पर कौन है, अच्छा यहां पर है इस प्रकार, देखिए आप एक स्थान पर कौन है और वी के स्थान पर फिर कौन है और सी के स्थान पर क्या है। तो एक स्थान पर जो है आपका वो है 3x² से एक्स स्क्वायर आपका वो अलग है, वी जो है V के स्थान पर क्या है माइनस के 2 और C के स्थान पर है माइनस के 21। तो आप लगाओगे श्री धराचार्य सूत्र से, तो श्री धराचार्य सूत्र से क्या होगा, x बराबर माइनस के V प्लस माइनस अंडर रूट V स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर हम जो करेंगे, यहां पर देखिए x बराबर v की वैल्यू जो है आपकी, अच्छा v की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस के v की वैल्यू आपकी 2 है प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर, यानी v आपको माइनस के 2 है तो उसका वर्ग माइनस 4, और a का मान जो आपका वो है 3, और सी का मान जो है आपका वो है माइनस के 21, और बटे में जो आपका चल रहा है वो है 2, और ए की वैल्यू जो आपकी दी है वो है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का वर्ग होता है 4, और यहां पर 3 जो 12 है, और 12 यहां पर माइनस से माइनस कर जाता है आपको आ जाता है प्लस, तो 12 आपको यहां पर आ जाता है 12 और 21, और ये आपको जाता है 3 × 6, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस, और जैसे आप 12 की और 21 की गुणा करोगे तो ये आना है यहां पर आएगा 252/6, ये आपको आता है। और यहां पर देखिए फिर उसके बाद होता है x बराबर
दो प्लस माइनस अंडर रूट, और जैसे आप 252 को 4 को जोड़ेगा ये आपको हो जाएगा 256 बटे 6। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 256 किसका वर्गमूल है, ये आपका है 16 का वर्गमूल, तो ये होता है आपका बटे 6। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसको धनात्मक चिन्ह लेने पर, सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो ये होगा x बराबर 2 प्लस 16 बटे 6, यानी आपका आएगा 18 बटे 6, और 6 * 18 यानी x का मान आपका आता 3। और आप यहां पर लिखोगे फिर से ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे ये आपका हो जाएगा x बराबर 2 माइनस के 16 बटे 6, यानी x बराबर माइनस के 14 बटे 6, 2 * 7 = 14, 2 * 3 = 6, आपका जो आंसर होगा तो माइनस के 7 * 3 होगा। तो गाइस एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो सही आपका आंसर है, तो एक बार इसका पूरे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये है x² - 4x + 2 = 0। यहां पर क्या करें, यहां पर भी लिखेंगे समीकरण की तुलना, ax² + vx + c = 0 से करने पर, जैसे आप समीकरण की तुलना करोगे तो ये होगा ax² + vx + c = 0, यानी a क्या आगे क्या है, x² का आगे 1 है, तो a का मान तो 1 हो गया, b - -4 है और c है आपका 2। और जैसे आप करोगे श्री धराचार्य सूत्र से, तो ये होगा माइनस, यानी x - -v + -√v² - 4ac / 2a। तो यहां पर आप लिख दो x - b की वैल्यू ये होगी आपकी -4 प्लस माइनस अंडर रूट वी की वैल्यू फिर से आपकी -4 का वर्ग हो जाएगा, और -4 ए का मान जो आपका 1 है और सी का मान आपका 2 है, अपॉन आपका जो चल रहा है ये एक्स, यहाँ पर लिखते हैं, ये मिस्टेक लिख रखी है आपने, यहाँ पर एक्स यहाँ पर लिखते हैं, और 2 और ए का मान आपका क्या आता है 1, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा अब यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं x = 4 + -√ -4 का वर्ग होता है आपका 16, यानी माइनस हो या प्लस के हो वर्ग जो होगा वो प्लस के ही आएगा, -4 * 8 अपॉन 2, और 2 ही करना 2 ही हो जाएगा ये आपका। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 + -, और ये आपका बच जाएगा 8 अपॉन 2, और जो आपका होता है ना ये आपका जो 8 का 8 किसका वर्गमूल होता है, 2 √2 होता है, और यहाँ पर आप लिख दोगे 2। अब क्या करें, अब लिखेंगे हम धनात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा x = 4 + 2 √2 / 2। अच्छा ऊपर से देखिए आपका 2 कॉमन है, तो 2 जैसे आप भाग लोगे तो 2 * 2 = 4, और यहाँ बच जाएगा √2 / 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, और एक्स का जो मान आएगा आपका 2 + √2। अब क्या लिखोगे आप, अब नई लाइन से लिखोगे कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो ये होगा आपका x = 4 - √2 / 2। यहां से फिर से वही काम होता है, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 2 * 4 √2, और नीचे आपका जो आता है 2 से 2 आपका कट जाएगा, और यहां पर आएगा x = 2 - √2। तो गाइस ये था आपका x का मान, 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में x की जो मैक्सिमम घात होती है वो 2 होती है, और x की जो जितनी मैक्सिमम घात होंगी उतने ही x के मान आएंगे। यदि x की पावर 3 होती तो 3 मान आते, 4 होती 4 आते,
तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है, तो एक बार इस क्वेश्चन के आंसर पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से हमें फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर लाना है। तो देखिए क्या थर्ड क्वेश्चन, इसको देखिए। ये जो है आपका, इसको हमको करना है समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, कि तुलना छूट गया है गाइस, करने पर जैसे आप तुलना करोगे ये आएगा आपका ए के स्थान पर 3 है और वी के स्थान पर -8 और सी के स्थान पर है आपका 4। फिर लिखेंगे आप श्री धराचार्य सूत्र से, और आप लिखोगे माइनस के वी यानी x = -(√V²−k4ac) / 2a। और आप क्या करोगे यहां से x = -(-8) लिखोगे +(√V²) यानी -k8² - 4, और ए के स्थान पर आप 3 लिखोगे और सी के स्थान पर 4 अपॉन अपॉन जो आप लिखते हो ये आएगा 2 × 3। उसके बाद x = -, आपका प्लस, तो ये जाएगा 8 + −√8 आपका 64 − 4 = 12 / 48 यहाँ पर आपका जाएगा, और आपका जाएगा ये 6। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो होगा ये हो जाएगा x = 8, 8 + −, अब यहाँ पर देखिए 64 में से 48 जाएंगे, का जो बचेगा वो बचेगा 16 और आपका 6। और फिर जो होगा यहाँ पर लिखेंगे x = 8 + −, यह आपका जो 16 किसका होता है 4 का, 6। हम यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह जैसे आप लोगे लेने पर, तो यहाँ पर होगा x = 8 + 4/6 यानी x = 8 × 4 = 12 × 6 × 6 × 2 = 12, और x जो होता है आपका आ जाएगा 2। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। हम लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर आएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो भाई यहाँ पर आप लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ये होगा x = 8 − 4/6 और यह आपका आएगा 4/6, 2 × 4 = 6, आपको जो एक्स मान आएगा 2/3। तो गाइस देखते हैं क्या आपका आंसर सही है। तो एकदम राइट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। इसका आपका एक सेकंड पार्ट बनेगा। ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन थे। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो गाइस देखते रहिएगा और अच्छे से कमेंट करते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।